जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन 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 यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna,
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे संकीर्तन की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय हिताय कौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकय चक्षुरुन्मीलितं नम तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति शब्दकान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथवीतं तं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखावितांश्च नमोम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने
नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेशतारणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः पंचत्वत्कम कृष्णम भक्तरूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्तिशक्तिकम हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायण नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम् नरम चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत् ततो जय मुदीरयेत् नष्प्रायेषु भद्रेषु नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्ति भक्ति नैष्ठिकी हरे कृष्ण हरे। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज इस कथा के अंतिम सत्र में, है ना। यह इस वैसे अंतिम सत्र इस पंडाल प्रोग्राम का है और उसके बाद तो एक नया शुरुआत है, नया शुरुआत ही है ना। यह ऐसे प्रोग्राम क्या करते हैं हमारी भक्ति में, जानते हैं आप क्या करते हैं ऐसे प्रोग्राम, भक्तों का संग अथवा भगवान के धाम जाना, यह सब क्या करता है हमारे भक्ति में। ये प्रभु जी ने बोला है कथा नहीं करनी है, क्लास करना है, और क्लास में साइलेंट, और नहीं तो मैं क्लास बंद कर दूंगा। क्लियर बात, नो डिस्टर्बेंस। ए बच्चा लोग समझ रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन या तो बैठो, चिड़िया बनने की कोशिश मत करो। देखो पॉल पे उड़ने का प्रयास कर रहा, उसको बैठाओ पकड़ के। एक दो वॉलेंटियर रहने चाहिए, अगर क्लास है मतलब इसमें आदान प्रदान होगा, है ना। मैं भी बोलूँगा, आपको ही बोलना है, दो लड़ाई भी कर रहे हैं, रेसलिंग भी इधर ही होगा। हे एकदम साइलेंट बैठो, नहीं तो साधु बना दूंगा। आजकल आतंकवादी से डर नहीं लगता, साधुओं से लगता है। सिगरेट पीने वाला है तो ही इज माय गुड फ्रेंड, साधु है तो क्या साधु संग करेंगे। साधुओं से डरते हैं, लेकिन साधु ढरने का विषय नहीं, प्रेम का विषय है। वैसे तो हमारी इच्छा थी कि थोड़ी बहुत भीष्म स्तुति के ऊपर चर्चा किया जाए, लेकिन प्रभु जी का आदेश हुआ कि नहीं प्रभु, कुछ सामान्य जैसे हमारे भक्ति का जिसे पोषण हो ऐसी कुछ बात। ऐसे भीष्म स्तुति तो बहुत अद्भुत लीला है, वैसे ही घंटा में संभव भी नहीं था करना। तो फिर मेरे मन में विचार आया कि मैंने एक सवेरे बात कही है इन लोगों को कि भाई जगत के लोग बीमार हैं तो दवाई बांटना पड़ेगा, और हमारे डॉक्टर्स तैयार भी हो गए। कौन कौन तैयार हुए, थोड़ा हाथ खड़ा करो, बांटने के लिए, हरिनाम बांटने के लिए। ओ माय गॉड, वेरी गुड। बस चार लोग ही, आठ लोग, दस, बारह, ऐसा एज्यूम हो रहा है मेरे को कि यहां पे लोग बैठे हैं या फिर सच में बैठे हुए हैं। ये साइड मतलब बैठे हुए कि मेरा माया है, बैठे हुए हैं। मामा जी है ना वहां पे, हाथ तो उठा हुआ, ठीक है, ये तो पता चल रहा है मामा जी हैं।
और सभी इधर भी छह लोग हैं, वेरी गुड। मैं सोचा कि भाई फिर मैं यहां से गया तो मुझे लगा कि रे इनको जैसे ही प्रचार करने जाएंगे तुरंत रास्ते पे दो चार लोग तो मारने के लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि इस जगत में बहुत सिद्धांत फैले हुए हैं, यथा मति तथा गति, तुम जिसको मानो वही भगवान है ना। तो हम माइक को मांग लेंगे तो भी भगवान, तार को माने तो ये भी भगवान, जिसको मानो वही भगवान। तो भाई मैं सोचा कि भाई जब जाएंगे लोग तो कैसे प्रूव कर पाएंगे, कैसे लोगों को बता पाएंगे कि हु इज गॉड, कृष्णा भगवान है, या कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा आप लोगों को। तो मैं गया और कुछ दिन थोड़ा बहुत पहले से था और कुछ श्लोकास को लिया कि भाई इन श्लोका को अगर इन लोगों को बता दिया जाए तो ये लोग तुरंत दूसरों को क्या कर सकते हैं, धड़ाम धड़ाम करके उठा के पटक सकते हैं है ना। साधारण सी बात है, भगवान कौन है। अब जैसे ही जाएंगे ना पूछने के लिए तुरंत लोग बोलेंगे आत्मा से जिसको मानो ना वही भगवान है, आत्मा भगवान, परमात्मा भगवान, हम भी भगवान, तुम भी भगवान, मामा जी भी भगवान है ना मामा जी, इस प्रकार की बातें बोलेंगे। अथवा जैसे राम श्याम प्रभु बताए कि मैं पहले श्याम गोपाल प्रभु को कहता था कि जो लोग जिसको पूछते हैं उसी को श्रेष्ठ कहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप लोग बस पेपर पेन है कि नहीं है, नहीं लेकर के आए होंगे, कोई बात नहीं है, मोबाइल तो होगा है ना, मोबाइल, गुड, मोबाइल में भी नोट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे नोट्स आता है उसमें नोट कर सकते हैं। कुछ हम लोग चर्चा करेंगे भगवान कैसे हैं, भगवान कौन है इसको जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम तो हमें यह देखना चाहिए, एक चीज तो ध्यान देना चाहिए कि हम भगवान को अपने से नहीं जान सकते हैं, जान सकते हैं नहीं जान सकते हैं, हम अपने से भगवान को नहीं जान सकते हैं, इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा। इसको समझने के लिए हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं, फिर प्रभु जी भगवान को जानने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, तो वेद और शास्त्र के शरण में जाना पड़ेगा, वही हमें बता सकते हैं कि भगवान कौन है, ठीक है ना। और दूसरा, किसी व्यक्ति में यह ताकत नहीं है जो बता सके। तो सर्वप्रथम यह बात को हमें समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण है, क्यों, क्योंकि ऐसा वेद और शास्त्र कहता है। क्या कहता है कि भगवान कौन है, कृष्ण है। जैसे कोई बालक हो और उसके पिता बचपन में ही विदेश चल गया हो, कहां चल गया हो, विदेश चल गया हो, एक महीना मान लीजिए, छह महीने का हो, एक साल का बच्चा हो और उसके पिता विदेश चल गया हो, अब पांच दस साल के बाद आवे तो क्या वो अपने पिताजी को पहचान पाएगा, नहीं पहचान पाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करे, वह किसके शरण में जाए, अपनी माता के शरण में, माता बता देगी कि बेटा ये तुम्हारे पिता है। तो उसी प्रकार ये वेद और शास्त्र क्या है, माता के समान है, जो बता देगी क्या कि भगवान कौन है ना। आइए देखते हैं वेद और शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इस दुनिया के जो पहले जीव हैं उसके पास चलते हैं। पहला जीव कौन है इस दुनिया का, हाँ, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं भगवान के विषय में बताइए, ईश्वरः परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्वकारण कारणम। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए ना, मैं वहां पे ये श्लोकास डाल देता हूं तो आप लोग आसानी से इसको अगर नहीं भी नोट करेंगे, वैसे नोट करना बढ़िया है, अगर नहीं नोट करेंगे तो वहां से तो आपको मिल जाएगा, मैंने डाल दिया पहला श्लोक, इसको थोड़ा व्याख्या किया जाए, तोड़िए।
संस्कृत को समझने का बढ़िया ऑप्शन क्या है, उसके एक एक वर्ड को खोल दीजिए। क्या बोल रहे हैं? ईश्वर, खोलिए ईश्वर को, अलग करिए। परम अलग कर दीजिए, कृष्ण अलग करिए, सच्चिदानंद विग्रह अलग करिए, और अनादिर अलग करिए, आदिर अलग करिए, गोविंद अलग करिए, सर्व अलग, कारण अलग, कारणम अलग। अब जोड़िए, क्या कह रहे हैं? ईश्वर परम कृष्ण। ईश्वर कौन है? कृष्ण है। देखिए, अब यहां पर थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, जो भगवान कौन है इसको यहां से समझना पड़ेगा। ईश्वर मल्टीपल हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं। ईश्वर मतलब क्या होता है? नियामक, कंट्रोलर। तो ईश्वर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उन ईश्वरों के ईश्वर परमेश्वर कौन है? कृष्ण। और वह कौन है? सच्चिदानंद विग्रह। वही क्या है? अनादि है। अनादि मतलब पता नहीं कब से है, आदि उनका कोई जानता नहीं, और सभी कारणों के क्या है? कारण है। कितना आसान है ये बात। कौन बोले? और उनको ज्ञान कहां से मिला? शमशान में भगवान ने ज्ञान दिया उन्हें। ठीक है, चलिए दूसरा। आप किसके पास चलते हैं? पहले हम लोग महान महान विभूति के पास चलेंगे, फिर छोटे मोटे जीव जंतुओं पे आएंगे। चलिए चलते हैं भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बहुत आपको जो भोलेनाथ को गलत ढंग से प्रदर्शित कर रहे हैं, भांग पिए भोला हमार हो। भोलेनाथ भांग नहीं पीते, अपराध है। ठीक है, भोलेनाथ क्या कहते हैं भगवान के विषय में? आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम। क्या कहे बताओ, बताओ बताओ। बस लोग तो आप सब जानते थे, ये बताओ। चलो बोलो, आराधना नाम ना नाम। अब लोग बोले या भ्रम था मुझे बोलना? आराधनानाम आराधनानाम सर्वेशाम सर्वेशाम विष्णु विष्णु आराधनाम आराधना परम परम। समझ गए ना? तो बहुत एकदम लगता है मुझे हिंदी, ये तो भोजपुरी जैसा लग रहा है। नहीं लग रहा है? क्या बोल रहे हैं? आराधना मतलब आराधनाओं में अलग अलग देवी देवता हैं। ठीक है, वेदों में अलग अलग देवी देवताओं की संस्तुति की गई है। भैया ये चाहिए तो इनके पास जाओ, ये चाहिए तो उनके पास जाओ, रूप चाहिए तो इनके पास जाओ, धन चाहिए तो इनके पास जाओ, बल चाहिए तो पृथ्वी देव के शरण में जाओ, इस प्रकार का दिया गया है। लेकिन उनमें से सबसे अधिक श्रेष्ठ किनकी आराधना है? सर्वेशम मतलब सब में से, सब में से। आराधना नाम सर्वेशम सभी आराधनाओं में सबसे विष्णु आराधना परम। किसकी आराधना परम है? कृष्ण की। विष्णु की आराधना क्या है? परम है। ये श्लोक याद हो गया होगा आप लोग को, याद हुआ? माता जी बोलो, विष्णु हरी बोल। प्रभु जी लोगों में से किनको याद हुआ? डॉक्टर साहब बताइए, सुने ही नहीं पाए, उनको स्पीकर के पास लेके बिठाई तो। चलो फिर से बोलिए, आराधना नाम सर्वेशम आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनाम परम विष्णु आराधना परम। फिर से बोलिए, खुद से बोलिए आप लोग। याद हो गया? वेरी गुड, याद कर लेना। मैं ये अभी डाल दिया ग्रुप में, ठीक है, ये डाल दिया। ये तो हो गए कौन बोले? भोलेनाथ और ब्रह्मा जी। और भोलेनाथ ये भी कहते हैं रामायण में, उमा कहूं अनुभव सत हरि भजन। कोई कंफ्यूजन है? हरि का भजन ही सत्य, बाद बाकी सब क्या है?
सपना माया। अब ये तो हमने सुना जो महान महान विभूति है। अब चलिए चलते हैं। अरे ये बच्चे लोग काहे इतना चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं भाई, देखिए। अरे 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 अरे, अरे। देखिए थोड़ा बच्चों को शांत कराइए, महत्वपूर्ण क्लास में डिस्टर्बेंस हो तो ठीक नहीं लगता है। मारिएगा नहीं, मारिएगा नहीं। बोलेंगे भगवत कथा में आके मार खाना पड़ता है। तो अब देखिए भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं। अब देखिए भीष्म पितामह कह रहे हैं, लेकिन कहां पे कह रहे हैं यह भी देखना पड़ेगा। भीष्म पितामह कह रहे हैं लेकिन कहां पे कह रहे हैं यह भी देखना पड़ेगा। भीष्म पिता कहां का कहां कह रहे हैं, जहां पे लाखों लाख ऋषि मुनि लोग आए हुए हैं, हजारों बड़े बड़े विद्वान जिनके सामने ये जो तथाकथित ज्ञान वाले हैं ना, कुकुट न्याय वाले जो आजकल उछल कूद कर रहे हैं, देवी देवी हरे हरे, बाबा बाबा हरे हरे, ये लोग उनके सामने क्या है, चरण की धूली के समान भी नहीं है, है ना। ऐसे बड़े बड़े महात्मा लोग आए हुए एकदम तत्वदर्शी, और उनके सामने भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं सो सुनिए। एशवे क्या कह रहे हैं, एशवे भगवान साक्षात, क्या कह रहे हैं, एशवे भगवान साक्षात याद्यो नारायण पुमा। अरे अरे रोने दीजिए, उसको उठा के बाहर ले जाइए अगर वो नहीं शांत हो रहा है तो। ऐसवे भगवान साक्षात, भगवान सामने खड़े हैं और उंगली दिखाकर कह रहे हैं। देखिए क्या दिखा रहे हैं, उंगली दिखा रहे हैं, और उंगली दिखाते हुए कह रहे हैं ये कौन है, साक्षात भगवान। तब वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि मौजूद थे, लेकिन किसी ने कहा नहीं कि यथामति तथागति, किसी ने नहीं कहा, यह भी नहीं कहा कि आत्मा से तुम जिसको मानो वह भगवान, अथवा कोई विवाद भी प्रकट नहीं किया। ध्यान देना पड़ेगा, कुछ मूर्ख लोग वेदों का संज्ञान देते हैं। एक हमारी वीडियो है YouTube पर, बहुत चलो बहुत बहुत लोग देख रहे हैं उसे, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कबीर भगवान थे, मेरे से भी ज्यादा आवाज निकाल रहे हैं, अद्भुत है। शांत करिए उसको। क्या कहते हैं, कबीर भगवान है, और बीच बीच में कमेंट करते रहते हैं, हमारा नंबर है तो हमें फोन भी करते हैं। एक बार ओमान में कोई था, वहां से फोन किया कि प्रभु आप ऐसा डाले हुए हैं, आप बताइए कृष्ण की भक्ति करेंगे तो मुक्ति मिल जाएगा, कहाँ लिखा है, है? फिर वो कुछ बताते हैं, वेद से संज्ञान देते हैं कि देखिए लिख रहा है कवि भगवान है, वो भगवान है। बोला भाई जब भगवान साफ साफ कह रहे हैं मैं भगवान हूँ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भोलेनाथ कह रहे हैं, तो तुम क्यों पागल जैसी बातें कर रहे हो, देखना पड़ेगा। यहाँ पे भीष्म पितामह कह रहे हैं कि ये सवे भगवान साक्षात, ये कौन है, यही भगवान है। देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि जब भीष्म पितामह कह रहे हैं तो वहां पे जो वेदों का संज्ञान ये देते हैं ये संस्था वाले, उन वेदों के रचयिता वेद व्यास जी वहां बैठे हुए हैं और कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मूर्ख लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है, बताओ। अब ये मूर्ख लोग भी एक अलग बात बोलते हैं कि कबीर जी ने ही गीता बोला है, लीजिए मुझे समझ में नहीं आया, ना कहीं पे कबीर उवाच है ना शिव उवाच है, फिर भी कह रहे हैं कि भाई कबीर भगवान, कबीर बोला है, कोई बोल रहा है कि शिव बोला है। यहां पे बार बार कह रहे हैं भगवान उवाच, भगवान उवाच, भगवान उवाच, वो उनको दिखता नहीं है,
लेकिन ऐसे ऐसे गलत बोल रहे हैं। अब वो ऐसा बोल रहे हैं लेकिन वेदों के रचयिता वेद व्यास जी, भगवान वेद व्यास जी वहां खुद बैठे हुए हैं और वह एक बार भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किए, वो स्वीकार कर रहे हैं। क्या ये स्वे बताओ, ये स्वे भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान। बताइए क्या दिक्कत है, कहां कंफ्यूजन है? जब इतने बड़े बड़े महात्मा लोग बोल रहे हैं तो तेरे से ज्ञान लेने में क्यों जाऊं? सो बता, तू होता कौन है देने वाला है? तो ध्यान देना चाहिए। तो ये तीसरा श्लोक जब आप जाएंगे तो इससे भी आप प्रूव कर सकते हैं कि भगवान कौन है, कृष्ण भगवान है, इससे आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुंती देवी क्या कहते हैं वो तो आप सुने ही, पुरुषम त्वाद्यम, आप ही भगवान है, ईश्वरम प्रकृति परम, प्रकृति से भी परे। और वेद व्यास जी जो वेदों के रचयिता हैं वे कह रहे हैं ये ते चंसकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब बताइए दिक्कत कहां है, हमको समझ में नहीं आता लोग इतना कंफ्यूज क्यों हैं भगवान को ढूंढने में। यथा मति तथा गति, ये क्या है? जिसको मानो वही भगवान, आत्मा से जिसको स्वीकारो वही भगवान, समझ में नहीं आता है क्यों इतना कंफ्यूजन है। अब देखिए भगवान क्या कह रहे हैं स्वयं 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में, जबरदस्त सबके मुंह पे ताला लगाते हुए क्या कह रहे हैं, यहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव शमन्वितः। मैं समस्त भौतिक अथवा आध्यात्मिक जगत का क्या हूं, कारण हूं। बताइए क्या दिक्कत है? और बुधा, बुधा मने बुद्धिमान, इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वह मुझे इस भाव से भजन करते हैं। अब बताइए क्या दिक्कत है, कहां कंफ्यूजन है कि भगवान कृष्ण नहीं है? बताइए कहां कंफ्यूजन है। प्रत्येक वस्तु मुझसे उत्पन्न है, प्रत्येक वस्तु मुझसे उत्पन्न, क्या दिक्कत है? फिर भगवान आगे कह रहे हैं क्या, मक्तः परंतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणि गणाइव। क्या कंफ्यूजन है, मक्तः परंतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से परे कुछ भी नहीं है और सभी जगत को सबको मैं ऐसे ही बांध करके रखा हूं जैसे गले में मोती पहने ना आप, वैसे ही भगवान गूंथ करके रखे हुए। बताइए फिर भगवान 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहते हैं, तासाम ब्रह्म महत योनि हम बीज प्रदह पिता, मैं ही क्या हूं, सबका बीज प्रदह पिता हूं। कंफ्यूजन कहां है? कुछ लोग कहते हैं हम भगवान से नहीं आए, भगवान हमारे पिता नहीं है, जबकि भगवान कह रहे हैं कि हम बीज प्रदह पिता। ठीक है, तो इतने सारे श्लोक से आप उनको क्या कर सकते हैं, भगवान साबित कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि भाई भगवान जो है सो कौन है, कृष्ण भगवान है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, आसानी से प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं भाई, भगवान कृष्ण है, इसके अलावा और कोई है ही नहीं, उनको एकदम क्लियर कह दीजिए बात, ज्यादा कंफ्यूज होने की बोल जरूरत ही नहीं है भाई, चुपचाप भगवान की भक्ति करो और इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अन्य बात बोले तो भाई दिखाओ शास्त्र, शास्त्र में दिखाओ, वो वेद वाले आएंगे वो इस प्रकार से बोलते हैं कि अरे क्या कहते हैं वो कि वेदों में कहां लिखा हुआ है, 2-4 श्लोक कहीं कहीं से लिए हुए हैं जहां लिखा रहता है कवि, कवि का अर्थ क्या होता है मालूम है,
ज्ञानी क्या होता है? ज्ञानी, जिसको ज्ञान है ना, तो इसको हमें समझना चाहिए। फालतू की बातों में बहुत अधिक समय व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। तब मानो प्रश्न करे, अरे ठीक है मान लिया हम कृष्ण भगवान हैं, अब बताओ हम उसे कैसे प्राप्त करेंगे, तो क्या बोलेंगे आप, क्या हम लोग बोल सकते हैं उन्हें? क्या बोल सकते हैं हम लोग? साधारणतः भगवान का नाम जप करके। तब मान लो कोई बोले, अरे कलयुग में तो प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, भगवान को इतनी आसानी से कोई थोड़ी प्राप्त कर सकता है। तब उन्हें आप बता सकते हैं कि नहीं, कले दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणा। कली दोषों का निधान है लेकिन उसमें एक महान गुण है। क्या क्या है? कीर्तनात विष्णु। जो व्यक्ति कृष्ण का, विष्णु का कीर्तन करता है वह इस कलयुग को बड़े आसानी से पार कर जाता है। कि अब कहे, अरे हम तो बहुत पापी हैं, हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। अब देखिए नाम महिमा, अब मैं थोड़ा नाम पे आ रहा हूं, ठीक है ना। यहां तक तो प्रूफ हो गया कि भाई भगवान आप कैसे किसी को बता सकते हैं कि कौन भगवान है। बच्चे बच्चे को क्लियर होना चाहिए कौन है भगवान। अरे अभी कुछ युवा दिख रहे हैं, गांव में युवा लड़के हैं, चलो अच्छा है, आ तो गए, आज गया तो मैं कुछ मिले, तुम्हें बोला कथा में नहीं आना, जीवन बर्बाद हो जाएगा, पाप लग जाएगा, नहीं आना चाहिए। युवा लोग कथा में आ गए, जीवन बर्बाद। जीवन बन सकता है सिगरेट पीने से, खैनी खाने से, इन सारी चीजों से जीवन बहुत आनंदमय जिलता है। यही सब कार्य करना चाहिए, भगवान का नाम इत्यादि ये सब नहीं करना चाहिए, कथा उथा नहीं सुनना चाहिए, है ना। नहीं, माताएं बड़ी जल्दी समझ जाती है, यहाँ के लड़के लोग नहीं समझ रहे थे। तब मैं आ रहा था तो एक लड़का बोल रहा था कि भाई, क्या बोल रहा था, तुमको मन का शांति चाहिए ना, भगवद गीता पढ़ना होगा। अरे वाह, ये अद्भुत वचन कहाँ से निकला। अरे ठीक है, अच्छा है। अब देखिए भगवान के नाम की महिमा, आप लोग अजामिल को तो जानते होंगे, अजामिल को जानते हैं ना, कितना पापी था, उतना पाप कोई कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकता, इतना पापी था। महाराज कहते हैं कि उतना पाप कोई, परम पूज्य गौरकिशोर गौरकृष्ण महाराज कहते हैं कि इतना पाप कोई कर ही नहीं सकता जितना पाप अजामिल कर चुका था, कर ही नहीं सकता। तो हम उतना पापी तो नहीं है। अजामिल की कथा आप जानते हैं कि एक वैश्या को देखा और आकर्षित हो गया, विवाह किया और बहुत सारे संतान उत्पन्न हुए। अब 10-15 बच्चे होंगे तो उसके भरण पोषण के लिए तो काम करना पड़ेगा, काम करता था, साथ में चोरी करता था और ना जाने क्या क्या करता था अपनी पत्नी और बच्चों के भरण पोषण के लिए। उसे बहुत पाप हो गया, बहुत पाप बढ़ गया। तो एक बार कुछ साधु संत उस गाँव से जा रहे थे तो कुछ लोगों से पूछा कि भाई बताओ इस गाँव में कोई धर्मात्मा व्यक्ति है जिसके यहाँ में कुछ भोजन मिल सकता है। तो मजाक में लोगों ने कह दिया साधु है, भेज देते हैं अजामिल के घर पे, भेज दिया। वो अजामिल नाम का है एक, बहुत धर्मात्मा, जाओ। गए, ध्यान रखना चाहिए जब भी साधु हमारे घर पे आते हैं तो कुछ लेने के लिए नहीं, हमारे भाग्य का उदय करने के लिए। गए साधु तो समझ गए कि हमारे साथ मजाक हुआ है, उस माता जी ने सेवा करने का प्रयास किया, इन्होंने ठीक है करते हुए निकले और निकलते वक्त कह दिया, देखा कि गर्भ में गर्भ है तो कह दिया कि माते बस एक कार्य करना, आप जब ये बच्चा हो जाए तो उसका नाम क्या रख देना, चिंटू। हा? नारायण, नारायण रख देना। ऐसा ही हुआ, नारायण रखा गया और ये अंतिम बच्चा था उनका, अजामिल का। और जैसे ही बच्चा हुआ
अजामिल की मतलब जो अजामिल की जो पत्नी थी वो अजामिल को पहले ही समझा दिया था, देखिए जी मेरे घर पे कुछ साधु आए थे, इस बार ना मेरा बच्चा होगा तो उसका नाम क्या रखेंगे, नारायण। ठीक है, जैसे ही बच्चा हुआ देखने में बड़ा सुंदर था, अजामिल गया और बोला नारायण मेरे गोद में आ। बस आचार्य गण कहते हैं वहीं उनके सारे पाप खत्म खत्म। पूर्व में जितने पाप किए थे सब, चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा कि एक, देखिए आप जप करते हैं ना, सुनिए इस बात को, एक हरे कृष्ण महामंत्र आपको गोलोक ले जाने के लिए काफी है, केवल एक बार बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इनफ है आपको गोलोक ले जाने के लिए। एक हरे कृष्णा महामंत्र आपको गोलोक ले जा सकता है, मेरे वचन नहीं है, किसके वचन है, चैतन्य महाप्रभु, बसरते इसके बाद कोई अपराध ना हो, कोई पाप ना हो, नहीं तो एक हरे कृष्ण महामंत्र हमें गोलोक लेकर के जा सकता है। लेकिन हमारा क्या है, हम तो अपराध और पाप करते ही रहते हैं, तो इसलिए हमें कितना माला जप करना चाहिए। अब सोचिए कि एक हरे कृष्ण महामंत्र आपको गोलोक लेकर के जा सकता है, आप 16 माला करते हैं तो कहां जाएंगे, भगवान के साथ किस संबंध में स्थापित होंगे। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, जब गोप कुमार भगवान के पास गए थे ना, गोप कुमार जब गए थे तो भगवान खेलते खेल के आ रहे थे, ये सुनिए बहुत दिव्य वचन है आपको, मतलब अद्भुत लगेगा, थोड़ा बैठ जाओ, आवाज नहीं करो, है ना, क्या कहते हैं भगवान, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, तुम देखिए कितना सुंदर लाइन भगवान को भगवान बोल रहे हैं गोप कुमारों को, बृहद भागवतामृत में वर्णन है, कहते हैं कि तुम इस जन्म में मेरे पास आओ, इस जन्म में मेरे पास आओगे, इस जन्म में मेरे पास आओगे, इस जन्म में मेरे पास आओगे, यह मेरे आंख को इस प्रकार नचा रहा था जैसे बंदर को मदारी नचाता है। थोड़ा दो चार लोग पीछे वहीं बैठ जाइए प्लीज, मैं इसलिए ये सारे जो क्लासेस होते हैं ना मैं ऑनलाइन करता हूं, कोई डिस्टर्ब ही नहीं, क्योंकि इतना अच्छा प्रसंग चल रहा है और कोई आके बोले अरे चलो खेलेंगे तो बड़ा क्रोध लगता है एकदम। उधर ही बैठिए, इन बच्चों को ले जाइए यहां, यहां पर जी बीच में हरि बोल इस जगह बैठिए ताकि दोनों मैनेज हो जाए, है ना। अब देखिए क्या कह रहे हैं, गोप कुमार गए तो भगवान उतरते हैं और उनसे मिलने के लिए जाते, कहते स्वागतम स्वागतम स्वागतम, तुम इस जन्म में मेरे पास आओगे, तुम इस जन्म में मेरे पास आओगे, तुम इस जन्म में मेरे पास आओगे, यह सोच यह इच्छा मेरी आंखों को इस प्रकार नचा रही थी जैसे बंदर किसी मदारी को नचाता है। लेकिन अच्छा उल्टा बोल दिया, मदारी किसी बंदर को नचाता है, इस प्रकार से मेरी आंखें नाच रही थी, लेकिन तुम थे कि एक बार भी मेरे तरफ देखे भी नहीं। इतना प्रेम से भगवान बोल रहे हैं कि तुम थे एक बार भी मेरे तरफ देखे नहीं, और मैं बार बार यह सोचता था कि किस प्रकार से इस विधान, इस जगत के विधान को बिना तोड़े हुए मैं तुम्हें अपने पास ले आऊं, और इसीलिए मैंने थोड़ा सा उसमें हस्तक्षेप करते हुए तुम्हारा जन्म गोवर्धन की तलहटी में दिलाया, और भगवान स्वयं जयंत के रूप में आते हैं और उन्हें दीक्षा देते हैं और भगवत प्राप्ति कराते हैं। ध्यान रखिएगा धर्मेंद्र प्रभु, आप भी जाएंगे ना तो भगवान ऐसे ही बुलाते हुए आएंगे, धर्मेंद्र मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था, हंसने वाली बात नहीं है। एक एक व्यक्ति के लिए कृष्ण, ध्यान रखिए कृष्ण एक एक व्यक्ति का, आपको लग सकता है कि प्रभु जी इतने सारे व्यक्तियों का, कृष्ण हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल ध्यान रखते हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको, वेस्टी व्यक्तिगत तरीके से, पर्सनल तरीके से आपका स्वागत करेंगे। अगर विश्वास नहीं होगा तो आप जब जाएंगे तो देख लेना, ये तो ब्रह्म बृहद भागवतामृत में लिखा हुआ है, तो वहां पे झूठ बोलेंगे क्या,
गोप कुमार का वर्णन इस प्रकार करते हैं, कितना अद्भुत बात है कि तुम्हारे आने की राह मेरी आंखों को इस प्रकार से नचा रहा था जैसे बंदर किसी मदारी को नचा रहा है, लेकिन तुम थे कि मेरी ओर देखते ही नहीं है। बंदर क्या कहते हैं, मदारी बंदर को नचा रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। मैं यही खाली बोल रहा था, भगवान का नाम बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है, और यह हमें किस प्रकार का प्रेम प्राप्त कराएगा कहना मुश्किल है, किस संबंध में हम भगवान के साथ स्थापित हो जाएंगे कहना मुश्किल है। कोई भी कितनों भी पापी हो, भगवान उसको मुक्त करते हैं। तो अजामिल जैसे ही पहली बार नारायण बोला, भगवान ने क्या किया, उसके सारे पापों को खत्म कर दिया। अब जब वह नारायण बोलता था, नारायण खा ले, नारायण पी ले, नारायण उठ जा, नारायण घर आ जा, नारायण स्कूल जा, उसका अकाउंट का बैलेंस बढ़ने लगा। पहले जो नेगेटिव था वह पहले तो जीरो बैलेंस कर दिया, और जीरो के बाद बढ़ने लगा। और जब वह मरने वाला था, अब अजामिल का पाप देखिए, उसे इतना प्रेम था अपने बच्चे से कि यमराज के दूत आ गए, एकदम काले काले, एकदम विकराल, काजल के पहाड़ के समान, लाल लाल आंखें, खतरनाक है ना, और आ गए। मैं क्या कहूं, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं हमारे इस्कॉन के, जहां पे इस प्रकार से भक्त, मान लीजिए भक्त एक बार संगति में आए और उनको मिला, और फिर वह गए, कोई तबीयत खराब हो गया, तो उन्होंने देखा है आईसीयू में कि यमदूत आए हैं, लेकिन वह बोले थे, एक भक्त है, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, और अभी वह सन्यासी हैं, उनको बोला था, गए वो, उनको बोला गया था कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, किसी तरह श्रील प्रपात के कीर्तन में आ गए थे, तो जब यमदूत आया तो बोला मैं श्रील प्रपात का आदमी हूँ, मैं उस कीर्तन वाले का आदमी हूँ, तो यमदूत उसको छोड़ करके चले गए थे। लाइव अपना बजाप बताते हैं वो, अभी सन्यासी हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, अपने इस्कॉन के सन्यासी हैं। सोचिए कितनी महिमा है, और जप नहीं करता था, खाली एक दो बार संगति में आया था, और किसी कारणवश एक्सीडेंट हो गया, आईसीयू में था, और ऐसा इस प्रकार उसने बोल दिया, तो वो रिटर्न आ गए। समझ रहे हैं? तो कितना भी पापी व्यक्ति हो, अजामिल उस समय इस भय से कि मेरा नारायण इन काले काले भूतों को देख लेगा तो डर जाएगा, तो कहते नारायण भाग जा, नारायण भाग, इतना बोलना था कि भगवान के चार दूत आ गए और उन जो यमदूत थे उनको बोले चलो भागो यहां से। बोले अरे आप लोग क्यों, विधि मतलब तेज था उनका, उस तेज से कौन रोक सकता है उन्हें, तो कह रहे भागो यहां से। तो बोले अरे ये बहुत बड़ा पापी है, इसको लेके जाना है। बोला ना भागो इधर से। अरे जानते नहीं हम लोग यमराज के आदमी। बोले बहुत मारेंगे भाग। तो लोग डर से नहीं गए, भाग गए। बहुत यहाँ बहुत लंबी कथा है, इस पे तो पूरी सप्ताह की जा सकती है अजामिल कथा के ऊपर। तो वहीं पे अजामिल का जब इस प्रकार से हो रहा था, तो यह विष्णु दूत अजामिल को बोल रहे हैं क्या, अस्तने सुरापो, देखिए सुनिए श्लोक को, अस्तने सुरापो मित्र दुख ब्रह्म हा गुरुत्पलग स्त्री राज पितृ गोहत्ता ये च पातकिन अपेरे सर्वेषाम अपि सर्वेषाम अपि अव अधवातम इदम एव सुनिष्कृतम नाम व्याहारणम विष्णु यतः तत्विष्यामति। देखिए क्या बोल रहे हैं, किसी ने सोना का चोरी किया हो, क्या कह रहे हैं, भगवान विष्णु का नाम का कीर्तन, सोना या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के चोर, शराबी, मित्र या संबंधी के साथ विश्वघात करने वाले, ब्राह्मण के हत्यारे अथवा अपने गुरु अथवा श्रेष्ठ जनों के पत्नी के साथ संभोग करने वाले के लिए प्रायश्चित का सर्वोत्तम विधि है। स्त्रियों, राजा या अपने पिता के हत्यारे, गौओं का वध करने वाले, अन्य सारे पापी लोगों के लिए भी प्रायश्चित का यह सर्वोत्तम विधि है। भगवान विष्णु के पवित्र नाम का केवल कीर्तन करने से ऐसे पापी से पापी व्यक्ति भगवान का ध्यान आकृष्ट कर सकता है, और वे इसलिए विचार करते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे नाम का उच्चारण किया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि उसे सुरक्षा प्रदान करूं। अब बताइए
यहाँ पे सोना किसने चुराया है? नहीं चुराया, ठीक है। शराब उराब पीने वाले दो चार हो सकते हैं, इधर तो माता जी लोगों में से कोई नहीं होंगे, है क्या कोई महान प्रभु जी लोगों में से? हाथ नहीं उठवाऊंगा, भेद खुल जाएगा। विश्वासघात ये तो कभी कभी, चलो किसी ने कोई ब्राह्मण मारा है? अच्छा नहीं मारा है। कोई माता जी को मारा है प्रभु जी लोगों ने कभी? सर से मतलब मार ही दिया, जान से मारा है? नहीं मारा है। राजा का हत्या किसी ने किया है? गो हत्या किसी ने किया है? अब बताइए, ये महान पाप है जब आपने ये नहीं किया, और बोल रहे हैं ऐसे ऐसे बड़े पाप करने वालों का उद्धार केवल हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से हो जाता है, तो आप लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया है। हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे तो उद्धार होगा ही होगा। रिपो, कोई संदेह बताइए, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? कोई पाप है इससे बड़ा? गाय हत्या। लाइव उदाहरण बताऊं, एक व्यक्ति था, आप सुनेंगे ना, बहुत घृणित है, सुनेंगे? सुनिए, वह गाय को मारता नहीं था, आधा काट देता था और उसके सीने में पाइप डाल देता था और उसके खून को पीता था। और वह व्यक्ति भक्ति में आ गया, अभी हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है और उस व्यक्ति का भी उद्धार हो जाएगा। वह खुद कहता है कि जब मेरे जैसे, अभी या तो ब्रह्मचारी है या कुछ भी है, इंडियन नहीं है, निश्चित विदेशी ही होंगे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है कहां के हैं, लेकिन जब उनका उद्धार हो सकता है तो हमारा नहीं हो सकता है क्या? सर्वोत्तम विधि है। अब कोई नाम के ऊपर डाउट करे तो इसमें डाउट करना ही नहीं चाहिए। जैसे नाम का ये पाप करना तो हमारा क्या है, स्वाभाविक रीत है, हम पाप करेंगे ही, जीव योनि में है, मनुष्य योनि में तो पाप करेंगे ही। उसी प्रकार से हमारा स्वाभाविक कार्य क्या है, पाप करना, उसी प्रकार से हरि नाम का स्वाभाविक कार्य क्या है, उस पाप को जला देना, निश्चित जला देगा। अब बच्चा, बहुत सारे माता जी लोग बच्चे को लेकर के आए हैं, माता जी अगर हाथ में आग में हाथ डालेंगे तो क्या होगा? हाँ, जल जाएगा। आप तो जानते हैं कि आग में हाथ डालने से जल जाएगा, इसलिए जलता होगा। अब बच्चा तो नहीं जानता है, तो वो डालेगा तो नहीं ना जलना चाहिए, हैं? जल जाएगा हो, लेकिन वो तो जानता नहीं था, उसका भाव ऐसा थोड़ी था कि हाथ डालेंगे और जल जाएगा। हाँ, आग का स्वभाव है, स्वाभाविक क्रिया है जलाना, उसी प्रकार से भगवान के नाम का स्वाभाविक क्रिया है पाप को खत्म करना। गुरु महाराज कहते हैं, फिटकरी को मिश्री समझ के खाएंगे तो क्या मीठा लगेगा? तीता ही लगने वाला है, कड़वा ही लगने वाला है ना। तो ये हरिनाम का स्वाभाविक रीत है कि वो हमारे पापों को क्या करता है, जलाता है। इसलिए अधिक से अधिक हरिनाम का जप करना चाहिए, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है इस संसार से बाहर निकलने। पद्म पुराण में तो यहां तक लिखा हुआ है, मुझे श्लोक याद नहीं है, कि आप बहुत सारी क्रियाएं कर रहे हो लेकिन हरिनाम नहीं कर रहे हो तो 0/0। कितना? 0/0, कुछ भी नहीं। एक जगह और ये वर्णन आता है, अब उन लोगों के लिए जो हरिनाम कर रहे हैं, कभी कभी वो बोला जाता है, अरे ये लोग कुछ पूजा वूजा थोड़ी करते हैं, खाली ले लिए हाथ में हरे कृष्णा करते रहते हैं, देखो हम लोगों को कितना वेद पढ़ते हैं। तो पद्म पुराण में इसके विषय में आया है, मुझे श्लोक याद नहीं है, ये सारे श्लोक मेरे पास थे, शायद मेरे पुराने वाले लैपटॉप में होगा, नोट करके रखा था, कि जो व्यक्ति हरिनाम जप कर रहा है इसका मतलब है कि पहले उसने सारे वेद पढ़ लिए। कोई यज्ञ नहीं करता, कोई यज्ञ नहीं कर रहा है, कमेंट मार रहे हैं, जो व्यक्ति हरिनाम जप कर रहा है इसका मतलब है कि उसने पहले ही सारे यज्ञ कर लिए हैं, पहले उसने सारे दान कर लिए, सारे पहले उसने सारे पुण्य हवन कर लिए हैं और आज वह हरिनाम जप कर रहा है। और नहीं तो बेटा तू करके बता,
करके बता, तू तो कर रहा है ना पूजा, करके बता। नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। अब दूसरी चीज भी ध्यान रखिए, आप लोग हरिनाम जप कर रहे हैं ना, हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम हरिनाम जप कर सकें, नहीं जप कर सकता। आप अपने ही गांव में देखिएगा, अपने ही आसपास देख लीजिएगा, आप अपने ही आसपास देख लीजिएगा कि कितने लोग जप कर सकते हैं। पूछा ना माता जी कि बोला नहीं किया, नहीं कर सकता है वह, नहीं कर सकता है। और अगर हम जप कर रहे हैं तो ध्यान रखिए ये भगवान की कृपा है। हरिनाम प्रभु, हरिनाम प्रभु कौन है? हरे कृष्ण महामंत्र। ये भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, जानते हैं ना, हमारा नाम और हम में अंतर है, लेकिन भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये हरिनाम प्रभु की कृपा है कि वह हमारे जीवा को स्पर्श कर रही है। इसलिए मन में कंफ्यूजन आता है कि प्रभु जी मन तो लगता नहीं है। कुछ लोग कमेंट करते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी। अरे भाई, कम से कम मुंह में तो राम है, रहने दे, क्या प्रॉब्लम है तेरे को। और ज्यादा मन उनके ऊपर नहीं जाना चाहिए। लोग कहते हैं मन तो लगता नहीं, मत जाओ मन के ऊपर, केवल नाम जप करो। नाम का ही काम है कि वह आपके मन को धीरे 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 करके लगा देगा। नाम जप की भी स्थिति होती है, तप हो रहा है क्या? हाँ, जब जप के विषय में आता हूं तो थोड़ा समय चला जाता हूं। आप लोग जो भक्त जप कर रहे हैं उनके लिए तो बड़ा आसान होगा, जो जप नहीं कर रहे होंगे उनको समझ में ये नहीं आएगा। मैं पहले ही बोलता हूं, प्रभु जी ने बोला है कि भाई प्रभु जी लेना है थोड़ा गोष्ठी टाइप का, तो मैं उसी तरह का ले रहा हूं, नहीं तो फिर कथा लेता है ना। देखिए क्या बोल रहा था, जप क्या? हाँ, नाम जप की भी स्थिति है, शारीरिक वाचिक तब मानसिक तब प्रेम तब भाव। पहला तो है कि हम शारीरिक स्थिति अच्छी तरीके से करें। आप लोग नाम जप कर रहे हैं, अच्छे से बैठ करके जप करने का प्रयास करिए। एक प्रश्न हुआ था ना कि प्रभु जी कभी भी जप कर सकते हैं? कभी भी जप कर सकते हैं आप, कोई डाउट नहीं है। सोते खाईते लिया हरिनाम, कभी भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, जो चेतना एक आसन में सोलह माला करने में बनती है, वह घूम घूम करके करने में नहीं बनती है। फिर अब इसको देखिए, अन्यथा नहीं लीजिएगा कि प्रभु जी हम लोग तो घूम घूम के करने वाले हैं, अब तो हम करना छोड़ दें। मैं छोड़ने नहीं बोल रहा, आप जिस स्थिति में उसी स्थिति में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रयास करना चाहिए अच्छे तरीके से बैठ करके। मैं ये जनरली उन भक्तों के लिए क्लास बहुत जबरदस्त क्लास होगा जो 50-60 भक्त आपके सेंटर के हैं, है ना। सोलह माला आप अगर एक आसन पे कर लिए ना एक दिन बैठ करके, दूसरे दिन मुझे फोन करके बताना, प्रभु जी क्या फीलिंग आ रही है, अद्भुत, बहुत अद्भुत आएगा। तो पहला हो गया शारीरिक, दूसरा वाचिक, वाचिक बोले तो वाणी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक एक शब्द। कुछ लोग कहते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण, आधा मंत्र गायब। नहीं, एक एक पूरा मंत्र बोलिए, आप देखिएगा प्रभाव इसका, क्या प्रभाव होगा। अब बस अगर आप ये दो स्थिति ठीक कर लिए, सुन लिए और बैठ लिए अच्छे से, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका नाम जब धीरे धीरे करके नाम के प्रति जो प्रेम है वह बढ़ने लगेगा, और आप एकदम मतलब जैसे रॉकेट उड़ता है ना, रॉकेट की तरह भक्ति में प्रोग्रेस कर पाओगे, गारंटेड है। अगर आप सुन लिए अच्छे से, जब कर लिए बैठ करके, तो आप अप्लाई करके देखना, है ना। और फिर धीरे धीरे करके आपका मन लग जाएगा, हरिनाम के प्रति प्रेम हो जाएगा, भाव उत्पन्न हो जाएगा। बस खाली जप को सुधारने का प्रयास करें। और अगर मैं पहले ही बोल रहा हूं कि अगर आप यहां पे आते हैं मंदिर में तो बहुत बढ़िया है, नहीं आते हैं तो प्लीज हम लोग ऑनलाइन जपा कराते हैं, आप आइए हमारे साथ, आप देखेंगे कि किस प्रकार से जप में आनंद आ जाएगा आपको। 4:30 बजे से ही 7:30 बजे तक होता है 3 घंटे का जप, 4:30 से 7:30, जितना समय मिले। आधे घंटे के लिए आ सकते हैं आप, आधे घंटे के लिए आइए, आप अनुभव कर पाएंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से जब आप देखेंगे कि किस प्रकार से भक्त लोग बैठ रहे हैं, किस प्रकार से जप कर रहे हैं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं,
जो लोग चार माला कर रहे हैं ना, वो ऑनलाइन जप में आ जाना, एक महीना में 16 माला पहुंच जाओगे। हमने देखा है, हमें तो खुद चार माला से 16 माला में आने में 9 साल लग गए जी, 8 साल जरूर, 8 के 7 साल लग गए। पुश करता रहा, मैंने भक्तों को देखा हूं कि एक महीने के अंदर 16 माला और लगातार फिर कर ही रहे अभी तक। तो ये फायदा होता है अगर हम एसोसिएशन में जब करें। तो हमारी प्रॉब्लम थी कि हम वहाँ से घर आ गए, बॉम्बे में रहते तो शायद थोड़ा और प्रोग्रेस कर पाते, डायरेक्ट आ गए गांव तो थोड़ा उधर भक्तों का एसोसिएशन नहीं था, उस समय इतना इंटरनेट वगैरह भी नहीं चलता था। तो अगर आप जुड़ेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। जुड़ने के लिए आप हमें एक मैसेज भी कर दीजिएगा तो हम जोड़ देंगे, अथवा राम श्याम प्रभु को ही बोलेंगे तो वो जोड़ देंगे, ठीक है। हमारा नंबर इनके पास भी है, मैं कुछ कार्ड्स भी यहाँ छोड़ दूंगा, अगर आप लोगों को जुड़ना हो तो आप लोग जुड़ सकते हैं। ये मैं कुछ कार्ड्स यहाँ पे रख देता हूँ, जिनको चाहिए वो ले लीजिएगा, तो जी दे देंगे, ठीक है। तो अच्छे से जप करिए, अच्छे से भक्ति करिए और फिर उस दिन का इंतजार करिए जब आप जावें और भगवान स्वागतम 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 करते हुए दौड़ते हुए आए और आपको भी कहेंगे कि तुम भी बहुत परेशानी किए मुझे, कब से सोच रहा था कि इस जन्म में तो आओ, लेकिन तुम थे कि मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे। इस प्रकार से भगवान बोलेंगे, ठीक है। तो अच्छे से जप करिए, नाम जप के विषय में कोई संशय है, केवल नाम जप के विषय में, अन्य सवाल नहीं लूंगा। नाम जप के विषय में कोई संशय, कोई संदेह, कोई प्रश्न? और एक प्रश्न क्लियर कर दूं, कुछ माता जी को लगता है कि प्रभु जी हम रजस्वला स्थिति में नहीं कर सकते, लेकिन हरिनाम इतना पवित्र है कि आप रजस्वला स्थिति में भी कर सकते हैं। अथवा दीक्षित भक्त हैं तो प्रभु जी हम लोग तुलसी माला में नहीं कर सकते, रजस्वला स्थिति में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान रखिए, जो प्रश्न आज सवेरे आया वो नहीं आना चाहिए कि प्रभु जी तो बोले हैं सवेरे ही करना पड़ेगा, दिन भर करते थे हम लोग, दिन भर करते रहिए प्लीज। लेकिन कुछ समय को फिक्स करिए कि मैं डेली, कुछ समय फिक्स कर लीजिए कि मैं इस दरमियान नाम जप ही करूंगा, दूसरा कोई कार्य नहीं करूंगा। परम पूज्य भक्ति रसामृत सिंधु महाराज कहते हैं कि डेली किसी कार्य को हम एक समय पे करते हैं तो हमारे हृदय में क्या होता है, सत्वगुण की वृद्धि होती है, ठीक है, ओके। तो कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है, आप सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप अच्छे से करेंगे, हाँ, कोई नहीं बोल रहा है जी, ओके। और दूसरे लोगों को नहीं देंगे, देंगे, ठीक है। अब आप लोग उनको बता भी सकते हैं कि हरिनाम जप करने के क्या क्या फायदे हैं, अन्य भक्तों के भी उदाहरण दे सकते हैं, कितने पापी से पापी व्यक्ति आए और वह सुधर गए। अब यह श्लोक भी जो है मैं बताया आपको वो है, चलो ये श्लोक भी डाल ही देता हूँ मैं ग्रुप में, एकदम आप लोग अच्छे से इसको भी ध्यानपूर्वक लिख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। चलो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया, आप लोग जरूर उसको पढ़ लेना, देख लेना और भक्तों को बताना। ये बहुत दिव्य श्लोक हैं, भगवान के वाक्य हैं, भगवान के भक्तों के वाक्य हैं, जिनको हमें दूसरों को बताना चाहिए। ये दिव्य वचन है, क्या है, दिव्य वचन है, ठीक है। हरे कृष्णा। तो ये अंतिम सत्र है, अगर कुछ थोड़ा भाव में आ जाने से कुछ गड़बड़ बोल देता हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। हरे कृष्ण। आप लोग जरूर जप करिए, ठीक है, और अगर आप लोग यहाँ आके सुनते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं डेली शाम को 6:30 बजे कितने बजे, 6:30 बजे गीता क्लास लेता हूँ, 1 घंटे का डेली फिक्स है, 6:30 से 7:30। अगर आप सुनना चाहें तो भी जुड़ सकते हैं और सुन सकते हैं, लिंक आपको उसी ग्रुप में मिलेगा, गूगल मीट के माध्यम से, ठीक है, गूगल मीट के माध्यम से हम डेली क्लास करते हैं, आप जुड़ सकते हैं। उसको यूट्यूब पे भी हम लाइव करते हैं, लेकिन आप गूगल मीट के माध्यम से जुड़ेंगे तो जैसे आप और हम अब यहाँ बैठे हैं ना वैसा महसूस होगा, आप प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, मैं पूछता हूँ, वहाँ भी क्विज होता है ना। और सवेरे डेली 7:30 बजे के बाद आधा घंटा भागवत क्लास होता है, 1/2 घंटा 45 मिनट, वह भी आप सुन सकते हैं, उसको भी यूट्यूब पे डालता हूँ, लाइव होता है, लेकिन अगर गूगल मीट पे जुड़ेंगे तो क्या होगा,
प्रश्न उत्तर कर सकेंगे, ठीक है। अगर YouTube गूगल मीट पे ना जुड़े तो आप Facebook पे भी देख सकते हैं, अगर आप मेरे नाम से सर्च करेंगे तो वहाँ दिख जाएगा सारा वीडियो, वहाँ पे भी रहता है, ठीक है। हरे कृष्ण। लेकिन जैसे भी हो, जैसी स्थिति में हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, भक्ति को क्या करिए, बढ़ाइए, कंटिन्यू करिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज इस संध्याकालीन सत्र में प्रभु जी ने कृष्ण ही भगवान है और कृष्ण का नाम जप करना ही समस्त प्रकार के पापों से जीव को मुक्त कर सकता है, दोनों ही बातें अपने आप में पूर्ण है और एक प्रकार से नहीं अनेकों प्रकार से प्रभु जी ने समझाया। और आज अभी प्रभु जी की 11 बजे ट्रेन है सासाराम से, तभी हम लोग जाएंगे सासाराम। और जाते जाते एक निवेदन करेंगे प्रभु जी से कि वास्तव में यहाँ के भक्तों को आपकी बहुत जरूरत है, क्योंकि जिस अंदाज से आप कथा करते हैं, कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि प्रभु जी का जो भागवतम क्लास है वो भागवत कथा से भी श्रेष्ठ है, इतना सुंदर तरीके से समझाते हैं कि अच्छे अच्छे लोगों को भी समझ में आ जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे क्लास की बहुत ही जरूरत है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि ये कार्यक्रम यहाँ पे साल में अभी तक तो एक बार होता था, लेकिन अब आगे हम लोग इसको साल में दो बार करने का प्रयास करेंगे। और बस आपसे कृपा की याचना यही रहेगी कि जब भी मन में इच्छा हो और हम लोग आपको याद करें तो आप जरूर इस धर्मपुरा धाम को याद रखिएगा। और क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति किसी वैष्णव के आश्रय में रहकर भक्ति भजन नहीं करता है तो फिर वो बहुत जल्दी तरक्की नहीं करता है। वास्तव में आपकी जो बातें हैं, आज तक मैंने भी प्रभु जी एक आसन पे बैठ के 16 माला कभी भी जप नहीं किया हूँ, लेकिन आज आपकी बात को सुनकर, अब कल परसों तो नहीं कह सकते हैं लेकिन 2-4 दिन के अंदर ही मैं इसको प्रैक्टिकल अपने जीवन में अप्लाई करूँगा कि एक आसन पे बैठ के 16-60 राउंड जप करने अवश्य करूँगा ही करूँगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जब कोई साधु पुरुष कोई उपदेश संदेश बताते हैं तो वास्तव में हम भक्तों के लिए ही होता है, भक्तों और उसका अनुभव तो वही कर सकता है जिसने उस रस को चखा है। जैसा प्रभु जी कह रहे हैं कि मैं करता हूँ और अद्भुत फीलिंग महसूस करता हूँ, तो अब हम तो नहीं करते हैं इसलिए हमें वो रस का स्वादन नहीं है, लेकिन करूँगा अवश्य। इसलिए कि प्रभु जी एक बात सुंदर बताए कि प्रीचिंग वही कर सकता है जिसकी साधना अच्छी हो, पहले अपने आप को प्रीच करे, अपने आप को समझाए, फिर भौतिक जगत के लोगों के बीच में प्रीचिंग करे, कथा करे। तो और प्रभु जी का क्लास तो मैंने अटेंड किया है कभी कभी बीच बीच में, वास्तव में जिस अंदाज में यहाँ कहते हैं, प्रश्न पूछते हैं, जवाब आता है और अलग अलग भक्त अलग अलग बात बताते हैं और फिर प्रभु जी उसका डिस्कशन करते हैं, क्लियर करते हैं, तो ऐसे क्लास की बहुत ही ज़रूरत है। तो ऐसे जो लोग भी अटेंड
करना चाहे तो प्रभु जी के क्लास में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु जी। और वास्तव में इतना जल्दी ये कार्यक्रम अचानक तय हुआ। एक मिनट, मैं एक नंबर बता देता हूँ, ये भक्त हैं उनका भी नंबर आप लिख लीजिए और उस पर डायरेक्टली मैसेज करेंगे तो वह जोड़ देंगे। एक्चुअली वही सारा मैनेज करते हैं, मैं खाली क्लास लेता हूँ। एक नंबर लिख लीजिए आप लोग अगर मोबाइल में चाहें तो, देखिए 9। सब लोग निकाल लीजिए, अनलॉक कर लीजिए और नोट कर लीजिए। अच्छा है, करना चाहिए बिल्कुल। जो विशेषकर भक्त हैं, जप माला लिए हैं, जब तक क्लास सुनेंगे नहीं फिर बहुत जल्दी प्रगति नहीं होती है। ठीक है, लिखिए 9340 7333 119। चलिए फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 9304 07 3 119। किशन प्रभु, ठीक है, ये भी बहुत अच्छे भक्त हैं प्रभु जी के, लोग सब साथ में ही रहते हैं। ठीक है, किशन अब पता नहीं, शायद आप लोगों से किसी के वो पंडा बाबा भी हो, पंडा है देवघर के मुख्य पुरोहितों में से एक हैं, तो अच्छे भक्त हैं। आप उनको खाली बोलेंगे तो वो आपको जोड़ देंगे, या भी डायरेक्टली आप मेरे नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं जो कार्ड में मैंने दिया हुआ है। तो ठीक है, प्रभु जी का हृदय से महामंत्र सभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। श्याम गोपाल प्रभु जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो जल्द से जल्द अपने कलाकारों को लेकर पहुंच जाइए आज। जी प्रभु जी, आज यहाँ संध्या सत्र समापन होता है, आप सभी लोग, हम सभी इस नामहट सेंटर के भक्त और ग्रामवासी की तरफ से आपकी यात्रा मंगलमय हो, इस शुभ आशीर्वचन के साथ आपको यहाँ से विदा करेंगे।